लॉकडाउन में सबने काफी कुछ किया, कुछ नई चीजें ट्राई की, काफी लोगों ने अपने आप पर ध्यान दिया, काफी लोगों का सोचने का तरीका बदला. हाउ वॉज योर लॉकडाउन? माई लॉकडाउन वॉज वेरी नाइस. सेल्फ एनालाइजिंग इन अ बिग वे. एंड यस, नो डाउट यू स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट लाइफ इज सिंपल, सो जस्ट कीप इट सिंपल. यू नो, जो हम दौड़ में जिंदगी के हर कोई लगा हुआ है, रनिंग अगेंस्ट द टाइम, एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल. एंड एक्चुअली आई थिंक समवेयर दिस वॉज रिक्वायर्ड, कि नहीं यार, दिस इज लाइफ. यू नो, बीइंग विद योर फैमिली, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, प्रॉब्ली कनेक्टिंग विद पीपल विच यू थॉट कि हाँ यार बात कर लेंगे. सो दिस टाइम गेव यू टाइम टू कनेक्ट विद एवरीबडी, चाहे यू नो ऐसे जूम कॉल्स पे या जो भी, बट एवरीबडी कनेक्टेड, ह्यूमन टच वॉज देयर. इस बार वाकई लगा कि ये जो मोबाइल फोन्स आ गए हैं, मतलब असलियत में अब जाके इनका सही इस्तेमाल हुआ है. वरना तो मुझे ये एब्सोल्यूट मिसयूज लगता था लाइफ में. बट डेफिनेटली लॉकडाउन में और नया कुछ किया तो हाँ यार, बड़े खाने बनाए. बहुत कुछ यूट्यूब पे देख के हमने भी अपने हाथ साफ कर लिए. And thankfully, it was not a mess. Everything that I cooked turned out nice. At least my son appreciated it quite a bit. And I think it was a clean-up time. So a lot of people had to go from your life. You know, where you start thinking, yaar, nahi, in logon ki zarurat nahi hai, but ye log jude hoye hain. Kyun jude hain, aapko pata nahi. So I think it brought you to that point that I don't need 20 people. I need 4 people. And at least for me, my journey has been that. Maybe बाकियों को लगा नहीं यार हमें 20 की जरूरत है, मुझे अपनी जर्नी में लगा नहीं यार 4 की जरूरत है, 20 की जरूरत नहीं. You know, it was like a declutter for me. So I look at it as a very positive way. Lot of meditations to do. So yes, जो चीजें नहीं की कि हाँ कर लेंगे कर लेंगे, बहुत meditation की, workshops की, काफी कुछ किया, Spanish सीखने की कोशिश की. Wow. Yeah. So Crochia, I love doing crochia. So, crochia करते करते I've made a bed cover, pillow covers बना दिए, cushion covers बना दिए, और अब मुझे उसकी इतनी लत लग गई कि अब मैं उसे set पे भी लेके जाती हूँ. So when I'm not in required in the scene, so I'm sitting in my room and doing crochia. So you know, again, I think this whole process with me has worked like be with yourself and be happy with yourself. It's not lonely. It's not being alone. It's just understanding yourself and being happy with yourself, which was so amiss with all of us. So I think crochet also somewhere took me off the social media, because I used to constantly be keep doing that. कि जब तक ऐसे आँख झपक ना जाए कि भैया अब बस, अब तो देखा ही नहीं जा रहा है. हाँ, उस चक्कर में मुझे चश्मा भी लग गया. So, but yeah, it's been a great experience definitely, and I pretty much enjoyed my lockdown. So for me, it's been a positive thing. बट यू नो लॉकडाउन में काफी सारी नेगेटिव चीजें भी निकल कर आई. वी लॉस्ट सो मेनी पीपल केम आउट एंड यू नो टॉक्ड अबाउट देयर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी और यू नो क्राइसिस. कभी एज एन एक्टर आपको वैसा लगा कि यू नो अब यू नो, क्योंकि किसी ने भी नॉट ओनली एज एन एक्टर, दिस लॉकडाउन और दिस पैंडमिक हैज हिट एवरी सेक्टर ऑफ द यू नो कंट्री, चाहे वो कंट्री क्या वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी है, इकोनॉमी. और किसी ने भी नहीं सोचा था कि 6 महीने बिना काम के बैठना पड़ेगा. और आप लोगों को स्पेशली एज एन एक्टर, जहाँ पे आप लोगों का काम ही ऐसा है कि 3 महीने बाद पेमेंट मिलती है और यू नो काफी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, शो मिलेगा तो शो वाइज पैसे आते हैं, कभी आपने इस तरीके की यू नो क्राइसिस महसूस किया कि यार 6 महीने हो गए काम नहीं करते हुए? एंड यू नो I did the show called Ye Vada Raha for Zee, again with Mahesh Pandey. After Ye Vada Raha, I did another show for Rashmi Sharma called Jaat Ki Jugni for Sony, which was a short-term thing, but whatever. After Ye Vada, I did that. And from July 2017 till January 2020, I had no work. And I mean, I had no work. I did one cameo in between for a show.
That was like a 1 month thing. So basically 2017 July se January 2020 till I signed this particular contract of Gupta Brothers, I was jobless, you know. So I was dealing with that pressure maybe from 2019 onwards, or maybe mid-18, because I lost my father, of course, financial stress. So I was anyways dealing with it. So there was immense pressure, there's no doubt. And lockdown aaya to mere liye to koi, actually speaking, ye tha ki yaar kaam ab shuru hua. Humne Feb mein shoot ki, humne March first week tak shoot ki, hum wapas aaye aur lockdown. To ye zarur hua ki are yaar abhi to itne time baad kaam chalu hua tha aur ab ye lockdown aa gaya. Then nobody knew lockdown would go for so long. Sabko laga mahine ded mahine ka, exactly. Everything will get normalized. Nobody knew that itna lamba jayega sab kuch. So in a way, मेरे लिए वो जो बनारस के हमारा schedule गया shooting का Gupta Brothers का, तो वो schedule के पहले भी मैं jobless थी और उस schedule के बाद भी मैं jobless हो गई. So for me it was like, oh God, thought ये बेचारी 3 साल से घर बैठी, इसको एक outing trip देते तो मुझे बनारस भेज दिया. So yeah, I mean होता है यार. I mean this is industry. Industry में कभी काम होता है, कभी आप बैठे रहते हो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल. जैसे मेरा ये लंबा स्पैन निकल गया, ऑलमोस्ट अबाउट 3 years, ऑलमोस्ट, या ऑलमोस्ट 3 years, 18-19, या ऑलमोस्ट अबाउट 2.5, 3 years, 3 years, या. नाउ इफ आई हैव नॉट बीन जॉबलेस फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स बीन ऑलमोस्ट 25-26 इयर्स आई एम इन द इंडस्ट्री. इससे पहले भी ऐसे दौर आए हैं जब एक शो के बाद दूसरा शो तुरंत नहीं मिला, वक्त लग गया मिलने में. And कभी-कभी तो आप लोगों का choice भी होता है ना, that you want to do certain things. I agree. So I will not say that after that show I didn't get calls, but maybe I was not ready to do that kind of work. So you know, and then फिर अब जब वो एक दौर था कि आपको 4 shows की call आ रही है और आपने बोला नहीं यार ऐसा काम नहीं करना है, फिर उस दौर के बाद calls आनी बंद हो गई. अगर मैं वो कर लेती तो शायद मेरा काम चलते रहता. But well, personal space में अगर मैं बोलूँ, I like to do work that I'm happy doing. If I'm going to do work कि चल ना यार काम तो चल रहा है, I can't think like that. And like I said, it's not the first time I was jobless, so I've been through this before also. ठीक है, manage हो जाता है. मतलब manage मतलब stress है. ऐसा नहीं कि stress नहीं था कि oh I was very relaxed and no, there was immense pressure on me, there was immense stress on me mentally, emotionally, financially, definitely. But ज़्यादा उछल के करोगे क्या? So I think with time I've really calmed myself down that it's okay, you know, it's a phase, this will pass. The good times will come. Good times is also a phase that will also pass. Right. So I've kind of I can't say I've reached nirvana stage, but I think I'm pretty much calm. A lot of things जो people fluster होके ये जो इतनी suicides हो रही हैं, they are weak minds. I'm sorry. God bless their souls, whoever it is. But I find, I don't know, or probably I don't know if they really had their reasons to do what they did. Don't know. But hopefully I'm stronger by the grace of God. So during that time, how did you you know, keep yourself calm, और आपने कैसे अपने आप को strong रखा? क्योंकि you know daily के खर्चे हैं, आपको daily expenses निकालना है, plus आपका एक काम जो चल रहा था वो रुक गया है, lockdown खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, हम बाहर नहीं निकल सकते, काफी सारी चीजें से हम deal कर रहे थे. Like I said, COVID actually taught everybody. मतलब मुझे तो मेरे काफी वक्त ने सिखा दिया. कोविड तो मेरे लिए लास्ट 6 महीने थे ना. लाइफ इज सिंपल एंड कीप इट सिंपल, एक्चुअली दैट्स द मंत्रा. ये हम जो इतने शोर शराबा या शोबाजी में घुसे होते हैं, पता नहीं किसके लिए. आई रियली डोंट नो. थैंकफुली आई डोंट नो व्हाट टू से. लाइफ इज सिंपल, यू नो. थैंकफुली ना मेरा ऐसा वो सर्कल है, मैं आती हूँ अपना काम करती हूँ अपने घर जाती हूँ, तो ना मेरा वैसा सर्कल है, ना मेरे वैसे इंटरेक्शंस हैं, ना मेरा वैसा शोबाजी है, न
ना मेरी वैसे, तो मेरे लिए लाइफ में ऐसा कुछ था नहीं कि ओ गॉड मेरी लाइफ टॉपसी टर्वी होगी। हाँ ये उन लोगों के लिए जरूर बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज रही होगी जो पता नहीं अपनी जिंदगी को ही सोशल मीडिया को ही अपनी जिंदगी समझते हैं, तो प्रॉब्ली उन लोगों के लिए बहुत बड़े झटके लगे होंगे लाइफ में कि हाय राम हम बर्बाद हो गए, नाउ वी हैव नथिंग टू डू इन लाइफ, वी कांट गो एनीवेयर, वी कांट मेक वीडियोस, वी कांट पोस्ट पिक्स, आई डोंट नो, आई मीन आई मे बी आई एम बीइंग टू साउंडिंग टू sort of negative about it, but well, that's my opinion. So, yeah, for me, actually, honestly speaking, it was not much. It was just lie low, keep it simple. Chicken roast nahi kha sakte, but chicken mein ek bar kha sakte. Roast dal chawal kha sakte. So I think life became like a dal chawal, and that was simple and tasty. Tasty, right? True. Also, Rinku ji, when you step out again और फिर से काम शुरू हुआ तो क्योंकि इकोनॉमी इतनी हिली हुई है, हर कोई फाइनेंशियली हिट हुआ है, अब जब काम शुरू हुआ है तो एवरीवन इज कमिंग टुगेदर एंड ट्राइंग टू वर्क थिंग्स आउट, तो ऐसे में ऐसा भी हुआ है कि एक्टर्स को बोला गया है कि यू नो प्लीज टेक पे कट, क्योंकि हमारे ऊपर भी वो प्रेशर आ रहा है एंड वी आर ट्राइंग टू डील विद थिंग्स एंड सॉर्टिंग आउट, वर यू ओके विद दैट? Being in the industry for so many years, I was okay with that because I completely देखो आप unaware तो नहीं हो ना, आप unaware नहीं, जो है वो पूरी दुनिया के सामने है जी। अगर मेरी situation खराब है तो आप कोई better space में नहीं हो, आप अपनी situation में एक bad space में हो जी। आपकी मेरी situation या standard differ कर सकता है, but bad situation तो सब पर आई है जी। So what is there not to understand about it? It's evident. It was understood somewhere. You knew, being there, done that. ऐसा था कि भाई इसका pressure आएगा. So I think it's okay. As far as you know, I understand your problems, and you understand my problems. Yeah. I think we can work hand in hand. But अगर मैं आपको बोलूँ नहीं, आप ही मेरी तकलीफें समझे, और आपकी तकलीफें तो सुलझ जाएंगी यार वक्त से. तो ये strategy मुझे समझ नहीं आती. But my producer is telling me, I need your help, I need your hand, we need to walk together through this difficult time which each one of us are facing in our own ways. I don't feel there's anything wrong about that. Theek hai, thoda jhatka lagta hai, but what the hell, I count my blessings that throughout COVID I knew I have work. To agar kal shooting chalu hogi तो चाहे कल नहीं पर चार दिन के बाद आई विल रिज्यूम वर्क जी, बिल्कुल। ऐसे हमारे कितने फ्रेंड्स हैं जिनके पास काम नहीं है, तो अगर आज वो सिचुएशन को भी और इस डिफिकल्ट पीरियड, इस क्राइसिस को जो हम बोलते हैं क्राइसिस है, तो क्राइसिस में तो एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा जी। अगर मैं आ जाऊं कि भाई क्राइसिस है पर मैं तेरा साथ नहीं दूंगी, तो देन आई एम डिगिंग माय ओन ग्रेव, बिल्कुल, देन आई कांट कंप्लेनिंग। सो आई थिंक समझ के चलो सिचुएशन को, things will come back to better, things will become more normal, and you can come back to that position where you can say that nahi yaar, now we need to go back where we were. And I think everything is workable, there's a solution to everything provided you're ready to sit and talk. True. So yeah, I agree. Also you have been a part of such good content driven shows, aur ek daur tha jab aise shows bante the ki har show apne aap mein थोड़ा सिमिलर भी था, लेकिन हर शो की अपनी पहचान थी और हर एक्टर घर घर का हिस्सा था। बट फिर एक ऐसा भी दौर आया जहाँ पे हर कोई बस कॉपी पेस्ट ही कर रहा था एंड देवर नॉट ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। उसके लिए कहीं ना कहीं शायद ऑडियंस भी जिम्मेदार हो सकती है, बिकॉज शायद हो सकती है। हाँ, क्योंकि वो एक ही तरीके का कॉन्टेंट देखना पसंद कर रहे थे। आप जो देख रहे हो वो आपको दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो क्या? Because I know so many producers who tried to do something different, but चला नहीं, TRP नहीं आई, फिर वही under higher pressures show बंद करो। तो फिर ऐसे होता था कि अगर आप कुछ अच्छा लाना भी चाहते हो या कोई कोशिश करना भी चाहता है, वो acceptable नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? Run of the mill काम करो, एक चीज बनी है उसकी xerox copy निकालो, 50-100 छापते रहो,
But is as an actor, does it get frustrating sometimes? I love my job too much, yeah. I love my job. And it's never frustrating for me to do my job. I don't take it as my job, it's my passion. So even if I'm doing that one thing in three different shows, मुझे उस हर सीन में ऐसा होता है, हम शायद ये पहले 25 बार कर चुके हैं. You know, same thing, मिलता जुलता सीन, मिलते जुलते डायलॉग्स, मिलता जुलता सीक्वेंस. पर मुझे हर बार ऐसा लगता है नहीं यार कुछ अलग करते हैं यार, नहीं यार कुछ करते हैं यार. So thankfully, I love what I do. And I want to keep challenging my sensibility कि एक चीज को मैं कितनी बार अलग अलग तरीके से कर सकती हूँ. शायद ना कामयाब रहूं पर कोशिश तो कर सकते हैं. So honestly, I can't say that, yeah, you know, it kind of gets dull and boring. No, I enjoy my work. I love my work. मुझे बहुत पसंद है. अगर मैं नेगेटिव कर रही हूँ तो मुझे बताओ, बेचारी नेगेटिव तो वही करेगी ना, घर तोड़ेगी, कलेश डालेगी, अलग करेगी प्रेमियों को, ऐसा ही हाँ. कुछ करेगी ना. इंडस्ट्री में जाके आग तो नहीं लगा देगी ना बेचारी. तो आई लव डूइंग दैट यार. सो या इट्स जस्ट दैट नाउ आई नीड टू फाइंड माय वेज एज अ क्रिएटिव पर्सन और विद द हेल्प ऑफ माय डायरेक्टर और विद द हेल्प ऑफ माय मेकर्स टू अंडरस्टैंड दोस न्यू बाउंड्रीज और द न्यू लिमिट्स वेयर आई कैन रीच. बट इट्स नेवर डल एंड बोरिंग फॉर मी. ऑल्सो कहानी घर घर की, यू नो, वी ऑल हैव ग्रोन अप वॉचिंग. हमें इतना पसंद था वो शो कि वी यूज टू वेट फॉर टाइम. अब वो दौर नहीं है कि अरे शायद इक्का दुक्का शोज के साथ होता होगा कि यू नो वो चल रहा है तो वी नो दैट. अच्छा, 9 बजे वीकेंड का वार आता है बिग बॉस का, कुछ चीजें हैं. बट तब एक ऐसा दौर था कि कहानी के लिए भी लोग रुकते थे, क्योंकि के लिए भी लोग रुकते थे, यू नो, कुटुंब आता तो कुटुंब के लिए भी रुकते थे. शोज था उस दौर का. How much do you miss those days? Or कहानी की क्या याद है? I do miss that because मेहनत हमने तब भी की. मेहनत हम आज भी मेहनत करने से कोई नहीं कतराता. जो मेकर्स हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं अपने शो को पास कराने के लिए या एयर पे लाने के लिए. तो मेहनत कहीं भी कम नहीं हुई है. इनफैक्ट मैं कहूंगी चैलेंजेस इतने बढ़ गए हैं कि लोगों की मेहनत बढ़ गई है. तो आई कैनॉट से दैट. बट या इट्स काइंड ऑफ I don't know what this whole confusion or this whole dilemma is that समझ नहीं आता audience को चाहिए क्या. वही चीज दो कभी कभी तभी नापसंद करते हैं, कुछ अलग दो तभी नापसंद करते हैं. तो समवेयर ना आपको अपने आप को इन थॉट प्रोसेस से ना परे कर देना पड़ता है. गिव योर बेस्ट शॉट एंड लीव इट, बिकॉज उसके आगे चैनल के हाथ में भी कुछ भी नहीं है. तो वी आर मेयर क्रिएटिव पीपल who come together to do something. Rahi baat kahani ki, kahani was no doubt kahani kyunki kasauti aise us dohran jo shows aaye the 2000s is what we started. So I think it wo bhi ab jo genre chal raha hoga usse pehle ha. So maybe that genre of shows that came at that time, that kind of writing that came at that time, so it was like a leap, you know. आपने कुछ नया experiment किया, फिर वो कई सालों तक चलता रहा. अब जाके मैं आज जब COVID के बाद भी जब shows चालू हुए हैं, तो कुछ shows मैंने देखे हैं, you know, like मम्मी वगैरह देखते रहते हैं तो बैठ जाते हैं, and then you see your co-actors, you know, अरे she's back to work, you know, so you feel nice, क्या रे? ये काम कर रही है, अरे ये भी काम कर रहा है, कौन सा शो है, क्या है, तो कैसे आप बैठ जाते हो, अच्छा शो है क्या. सो अगेन यू कैन सी दैट लिटिल न्यूनेस, अरे अच्छा है यार. वरना जैसे आपने कहा कि वही रेपिटेटिव शोज आ रहे थे, कंटेंट आ रहा था, तो रेपिटेटिव कंटेंट देख के पता नहीं हमारी ऑडियंस एंजॉय करती है रेपिटेटिव कंटेंट, पर Yeah, it used to, I mean, it can get to your nerves ki wahi cheez, bhai ek show lagao to baki 25 waise hi dikhenge. Waise hi dikhte hain. Right. But shayad hamari audience ko wo bahut hi pasand tha, but ye tha ki ab wo daur mujhe lagta hai fir badal gaya. Haan. Maybe wrong. Fir bhi aap dekhiye lockdown ke baad mein kafi sare aise shows hain jo lag raha hai ki wo you know log experiment karne ke liye tayar hain, chahe wo you know Sony ka, which is again Sony ke wahi hai na.
दो डेकेड एक टाइप ऑफ कंटेंट चला, फिर दो डेकेड एक टाइप ऑफ कंटेंट चला, अब वो दौर आया कि भैया टीवी इज चेंजिंग अगेन, यू नो, मे बी विद करंट इश्यूज कह लो, आज की जेनरेशन अलग हो गई, आज की जेनरेशन के इश्यूज अलग हो गए, सो यू हैव टू कीप चेंजिंग एंड अपग्रेडिंग योर सेल्फ फॉर द एक्सेप्टेबल. मे बी आज ऑडियंस हैज ऑल्सो ओपनड अप कि यार कुछ नया कुछ अच्छा, हाँ यार ये शो. So yeah, there are some interesting shows back again on TV, which is really fun to watch. And maybe there is a threat from OTT also, na, now. Because lockdown mein sabse zyada logon ne OTT hi dekha hai. So agar TV, I will not say it's a threat. I will say, thank God, OTT gave the audience to open their minds and gave us the pathway to change us. Right. You know, so I don't take it as a threat. I take it as thank God. क्योंकि हम करना चाहते थे, आपने करने नहीं दिया, अब आपने हमारा रास्ता खोल दिया, अब हम करेंगे. फिर वही होता है जैसे आप बोलते हो कि कहानी जैसे, या क्योंकि जैसे शोज जो इतने लंबे लंबे साल चले, या जैसे आज हमारे पास ये रिश्ता क्या कहलाता है जो इतने सालों से चल रहा है. सो यू नो दी शोज अगेन, इट इज लाइक जब कोई नया कुछ करने की कोशिश कर रहा था, ऑडियंस रहने ही नहीं दे रही थी, तो कैसे आप कोई भी बेंचमार्क बनाए. बिल्कुल. फिर वही था कि 10 में से एक का तुक्का लग गया. अब आपने अपना दिमाग खोला है, तो अब हम अपनी क्रिएटिविटी आपके हिसाब से चेंज करेंगे. थैंक गॉड ओटीटी हेल्प्ड अस डू दैट. आई वुड से आई वुड नॉट टेक इट एज, यू नो, इट्स लाइक वन थर्ड प्लेटफॉर्म, इट्स अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. आवर इंडस्ट्री इज एक्सपैंडिंग, द विजिबिलिटी ऑफ इट इज एक्सपैंडिंग, सो आई टेक इट एज अ ग्रेट बून टू एक्टर्स, टू मेकर्स, यू नो, टू द पीपल, चैनल्स, हूएवर. They're putting it up on air, which is great. So I think it's all very positive. I don't take it as a negative threat or challenge, you know, competition. Nahin, uska apna ek medium hai, hamara apna ek medium hai. So everybody is very clear with what they want to do. In fact, unki madad se hum aur acha content lane ke us daire mein to aa gaye yaar. Matlab we were waiting to do that. Kahani ke days aapke liye kaise the? Kyunki एक यू नो एक्टर के लिए हर घर का हिस्सा होना, अपने कैरेक्टर के नाम से इतना जाना जाना, जहां आप जाते हो उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो साथ साथ जाती है. हाउ वाज द डेज, जब वो दिन कैसे थे? इट वाज ब्यूटीफुल. इट कहानी वाज अ वंडरफुल टीम, वंडरफुल यूनिट. इट वाज फैमिली, रियली आई मीन इट वाज फैमिली. एंड डेफिनेटली it gave everybody on Kahani right a big high in life as a creative person, whether it was an actor or a director also, you know, or the creative team that was there. So everybody got that high from it, everybody got that benefit from that show, everybody benefited from the show, lot of popularity, lot of fame. And but at the same, in the same breath, I'll say that thankfully all my shows have given me that, you know. I agree. So I can't say that, oh, that was better, or yaar abhi na thoda kam ho gaya hai. No. So for me, thankfully, all my work has been well appreciated by the audience and well loved, although they hated me, but well loved, you know. So for me, it's been a great journey being an actor, and I continue that till the day I die on the set, or, you know, kaam karke maru, ghar baith ke na maru. Thank you so much, Rinkuji. It was great talking to you. I enjoyed a lot. And please take care of yourself. Be happy. And all the best for the show. Thank you. And thank good you. Luck to you also. Be safe. Thank you. Thank you. Thank you so much. Take care. Bye. 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 Bye.